तो चलिए बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म टाइगर 3 को लेकर है। तो कल टाइगर 3 के मेकर्स ने फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करा, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ नजर आए और दिवाली में ये मूवी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। साथ ही एक बार फिर से फिल्म के विलन इमरान हाशमी का लुक रिवील नहीं करा गया है। पहले भी जब टाइगर 3 की अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज करी गई थी तो उसमें इमरान हाशमी नहीं दिखाई दिए थे और पोस्टर में भी उनकी कोई भी झलक नहीं दिखाई गई है। दूसरी अपडेट सालार को लेकर है। सालार के पोस्टपोन को लेकर तो मैंने आपको बताया ही था। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि अभी सालार का पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और साथ ही प्रशांत नील एक दो सीन को दोबारा से शूट करने वाले हैं, तो इसलिए सालार को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। और अब कुछ रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि 28 सितंबर के बदले अब सालार शायद नवंबर में रिलीज हो सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या सालार दिवाली में टाइगर 3 के साथ टकराती है या फिर नहीं। तीसरी अपडेट चंद्रमुखी 2 को लेकर है। तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद चंद्रमुखी 2 का ट्रेलर कल रिलीज हो गया है और राघव लॉरेंस काफी समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ट्रेलर की बात करें तो चंद्रमुखी 2 का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा। कंगना रनौत और राघव पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि चंद्रमुखी 2 फैंस को पसंद आती है या नहीं। चौथी अपडेट टाइगर नागेश्वर राव को लेकर है। तो सालार के पोस्टपोन होने की खबर सुनते ही पहले फुकरे 3 ने 28 सितंबर को आने की अनाउंसमेंट करी। तो अब कहा जा रहा है कि रवि तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव भी अब 28 सितंबर को ही रिलीज होगी। आपको बता दूं कि ये मूवी पहले 20 अक्टूबर को आ रही थी। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में, तो कहा जा रहा है कि शायद कार्तिक आर्यन अब करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में नजर आ सकते हैं। कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि करण ने कार्तिक को इस मूवी से बाहर कर दिया है, मगर अब जब कार्तिक की फिल्में लगातार हिट हो रही हैं तो कहा जा रहा है कि करण जौहर ने कार्तिक को दोस्ताना 2 में काम करने के लिए अप्रोच किया है। तो अब देखना होगा कि क्या कार्तिक इस मूवी के लिए हाँ बोलते हैं या फिर नहीं।